सीधे अपराजिता सारंगी जी के पास चलता हूँ। अपराजिता सारंगी जी, लगातार शिकायतें हैं मदरसों के बारे में, क्यों ना सरकार, आप भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, खुद एक आईएएस रह चुकी हैं, मुझे बताइए क्यों ना सरकार इनके लिए कॉम्प्रेहेंसिव पॉलिसी बनाए। प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा है, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, इस बात तक ये समाज के अगर कुछ लोग नहीं पहुंचना चाहते तो सरकार इस पर आम सहमति क्यों नहीं बनाती। असम एक कदम उठाए और दूसरा राज्य दूसरा, ऐसे कैसे चलेगा। आप सबको नमस्कार, आप सबकी बातें मैं सुन रही थी। मुझे लगता है जो आसाम के शिक्षा मंत्री ने अनाउंसमेंट किया है कि नवंबर मास में अधिसूचना निकलेगी और करीबन 614 मदरसे बंद किए जाएंगे और बहुत सारे जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा नियमित राज्य के स्कूलों में और करीबन 100 संस्कृत स्कूल बंद किए जाएंगे। मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में संस्कार लाने की दिशा में यह एक सशक्त कदम है, हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए और यह परिपक्वता का परिचायक है। अभी देश में जो आंकड़े हैं, करीबन 10,000 मदरसे हैं जिनमें करीबन 20,00,000 बच्चे पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें से करीबन 8,000 मदरसे हैं और उसमें 18,00,000 बच्चे पढ़ते हैं। 18 राज्यों में गवर्नमेंट एडेड मदरसे हैं। मुझे लगता है कि अगर यह धर्मनिरपेक्ष देश है तो सरकारी खर्चे पर धार्मिक शिक्षा क्यों दी जाए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं, हम जिस तरह उनको संवारेंगे जिस तरह बनाएंगे वो वैसे ही उनकी उनकी बुनियाद खड़ी होगी। हम कैसे कहते हैं कि कोई बच्चा मौलवी बनना चाहता है या पादरी बनना चाहता है या फिर इंजीनियर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है, हम कौन है तय करने वाले। हम सब का काम है उन्हें अच्छी शिक्षा दें, होलिस्टिक एजुकेशन दें और उस शिक्षा के बल पर बड़े होकर वो जो बनना चाहे वो बने। और देखिए अभी जो स्थिति है, जो मदरसे से निकल रहे हैं बच्चे, आप ही के बाद आ रहा इसके बाद, जो बच्चे मदरसे से निकल रहे हैं, एक शोध हुआ था उस शोध से जो जानकारी आई है, जो निष्कर्ष निकला है उसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहूंगी, जरा सुनेंगे। जितने भी बच्चे मदरसे से निकल रहे हैं उस शोध के अनुसार मैं बता रही हूँ आप सबको, उसमें से केवल 2% उच्च शिक्षा लाभ करना चाहते हैं, 42% कहते हैं वो धर्म का प्रचार करेंगे, 16% कहते हैं वो शिक्षक बनेंगे और धर्म के बारे में पढ़ाएंगे, 8% इस्लाम की सेवा करना चाहते हैं, 30% सामाजिक कार्य करना चाहते हैं और 2% धर्म गुरु बनना चाहते हैं।